सो गाइज नमस्ते एवरीवन, विच इज शोहान हियर। तो यू नो गाइज, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि अफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करता है। मतलब ये टर्म लोगों ने सुनी है, सब लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, पर एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि अफिलिएट मार्केटिंग की कैसी जाती है, मतलब करना कैसे होता है, उसमें से अर्निंग कैसे होती है आपकी, और ये जो पूरा बिजनेस है, पूरा मॉडल है ना, वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आज इसी मतलब टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा मतलब एकदम इजी लैंग्वेज में। ठीक है, जिसमें सबको पता चल जाएगा कि कैसे ये अफिलिएट मार्केटिंग करके आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, वैसे अफिलिएट मार्केटिंग बहुत तरह की होती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अफिलिएट मार्केटिंग होती है, बट एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होता ये है कि एक जो कंपनी होती है, ठीक है, और एक कस्टमर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया तो कोई कंपनी से किया है। ठीक है, मतलब समझ लो कि आपने एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट आपने परचेस किया। ठीक है, बट वो कहाँ से आपने किया, वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं किया आपने। ठीक है, बट वो आपने किया एक पर्टिकुलर रिटेल जो आउटलेट होते हैं या एक शॉप होती है, या फिर आप समझ लो एक मॉल से किया है। ठीक है, तो मॉल से आपने बाय किया है तो मॉल ने थोड़ा बहुत कमीशन या फिर थोड़ी बहुत जो अर्निंग है उन्होंने मॉल ने आपने बाय किया उससे उन्होंने अर्निंग किया है। ठीक है, और पार्ले जी जो कंपनी है, ठीक है, पार्ले कंपनी, उनका जो प्रोडक्ट उन्होंने एक पर्टिकुलर मॉल या तो एक रिटेल शॉप को दिया है और वहां से उन्होंने मतलब आपको बेचा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत कमीशन या फिर थोड़ा बहुत अर्निंग है वो मॉल वाले ने किया है। ये पूरा एक सिस्टम को हम बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि जो मॉल है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपको बेचा है एक प्रोडक्ट, यानी कि जो सिंपल सा जो पार्ले का पैकेट है वो आपको बेच दिया है, और वो कहाँ से बेचा है, वो कंपनी के थ्रू। ठीक है, यानी कि अफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली होता यह है कि आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, आपको कोई कंपनी खड़ी करने की जरूरत नहीं है, आपको मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ आपको सेल करना है। ठीक है, ये हो गई फिजिकल प्रोडक्ट की मैंने जो बात की। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट को आपको जब सेल करना है उसके लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें आपको करनी, और उसमें से जो कमीशन गाइज मिलता है यानी कि अर्निंग मिलता है बहुत ही कम मिलता है। जब आप बल्क में ये सारी चीजें सेल करते हो ना, तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलता है। बट जो मैं अफिलिएट मार्केटिंग की जो गाइस बात कर रहा हूँ वो होगा डिजिटल प्रोडक्ट का। डिजिटल यानी कि कोर्सेज हो गए, ट्रेनिंग्स हो गए, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट के जहाँ को आपको जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है या फिर जो यहाँ पे डिलीवरी कॉस्ट आती है वो सारी कॉस्ट आपको नहीं आएगी। आपको सिर्फ क्या होता है, ये पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसको सिर्फ ज्वाइन करना होता है, और आपको सोशल मीडिया के थ्रू उसका एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना होता है। वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, वो कैसे कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जो अफिलिएट प्रोग्राम कर रहा हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का नाम है बिज गुरुकुल, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज मिल जाते हैं। कोर्सेज क्या है, उनके प्रोडक्ट्स है। ठीक है, वो प्रोडक्ट को आपको सेल करना है। किसको सेल कर सकते हो, तो कि जिसको डिफरेंट डिफरेंट स्किल सीखनी है। ठीक है, तो वो कौन पर्सन है, क्योंकि वो स्टूडेंट हो गया, हाउसवाइफ हो गए, मतलब कोई ऐसे पर्सन है जिसको समझ लो ऐसे स्किल है, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल हो गई, या फिर गूगल एड्स की स्किल हो गई, फेसबुक एड्स हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, वीडियो कैसे बनाना है वो स्किल हो गया, फिर डिजाइनिंग कैसे करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग की बात, वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, फिर हो गया कॉन्टेंट राइटिंग क्या है, कॉपी राइटिंग क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्किल है ना। मतलब हमारे पास जो मतलब जो प्रोडक्ट्स यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल कोर्सेज है, 25 से भी ज्यादा कोर्सेस है गाइस, स्टॉक मार्केट जैसा भी हमारे पास कोर्स है। ठीक है, तो उसको जैसे ही आप सेल करते हो ना किसी और को, ठीक है, आपके थ्रू, तो वहां से कमीशन जनरेट होता है गाइस। वो कमीशन का जो परसेंटेज है गाइस 70%, यानी कि आप एक प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट या तो एक कोर्स का बंडल को आप सेल करते हो ना गाइस, तो आपको 70% का कमीशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक 10,000 रुपीज का कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया, ठीक है, उसमें से आपको 7,000 का कमीशन मिलता है गाइस, समझ रहे हो। तो ये अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया, बट 72 और मतलब इसके आसपास का आपको कमीशन मिल जाता है पर सेल। तो ये होता है बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो गाइज फिजिकल प्रोडक्ट से बेटर आपको डिजिटल प्रोडक्ट में जो अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, आप अफिलिएट प्रोग्राम के साथ काम करते हो, तो उसमें आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। ठीक है, बाकी अमेजोन में भी अफिलिएट कर सकते हो, बट वो बहुत सारी फिजिकल प्रोडक्ट्स है गाइज। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट और बहुत सारी कॉस्ट लग जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो कमीशन है वो आपको सिर्फ 2% से लेके 8% तक ही मिलता है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट में वन टाइम प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाती है, उसमें कोई डिलीवरी चार्ज नहीं रहता, इसकी वजह से आपको जो कमीशन है मतलब 50% से लेके 70-80% भी कभी कभी मिल जाता है। ठीक है, तो
होप आपको समझ में आएगा अफिलियट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंपनी ही प्रोडक्ट बनाएगी, आपको सिर्फ क्या करना है कस्टमर तक वो प्रोडक्ट को ले जाना है। सिंपल, वो कोई भी तरीका हो सकता है, वो चाहे सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, या फिर फेसबुक भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम सोशल मीडिया वैसे ही फ्री में यूज़ करते हैं, तो क्यों ना हम उसको अच्छे से यहाँ पे यूज़ करें और वहाँ से एक यू नो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, राइट। आप स्टूडेंट हो तो आपकी पॉकेट मनी भी निकल सकती है, आप यू नो एम्प्लॉय हो तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम भी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। हाउसवाइफ हो, कुछ नहीं कर रहे हो, यू नो घर में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये काम करके सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। बाकी अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और ज्यादा जानना है तो नीचे ऑलरेडी मेरे व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आपको मैं 20 मिनट का एक प्रेजेंटेशन सेंड करूंगा जिसमें आपको पूरा समझाया जाएगा कि कौन सा अफिलिएट प्रोग्राम है हमारा और कैसे आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। मार्केट में कैसे, वो सारी चीज़ों का ट्रेनिंग भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हमारे पास सारी चीज़ है, हमारे पास 25 से भी ज़्यादा कोर्सेज है, वो कोर्सेज को आप मार्केट में यू नो सेल कर सकते हो। उसके लिए हम आपको फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, वो सारी चीज़ों का मेंटोरशिप रहेगी मेरी खुद की, मैं आपको मेंटोर करूँगा कैसे आपको यू नो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग को अटेंड करके यहाँ पे मार्केट में कोर्सेज को सेल करके एक हैंडसम अमाउंट ऑफ कमीशन यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल यहाँ पे एनरोलमेंट की प्रोसेस है, नीचे दिए गए एनरोलमेंट लिंक से भी आप पर्टिकुलर पैकेज को सिलेक्ट करके एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के बाद नीचे मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आप यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू यू नो अर्निंग कर सकते हो, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा है ये पूरा सिस्टम, आपको कुछ भी नहीं पता तो हम उसके लिए भी ट्रेनिंग डिजाइन किया हुआ है। बिगिनर हो, कुछ नहीं आता, सोशल मीडिया भी यूज़ करना नहीं आता, तब भी हमारे पास ट्रेनिंग है जो आप ट्रेनिंग को यूज़ करके मार्केट में काफ़ी अच्छा सा अर्निंग कर सकते हो। तो सिंपल सी चीज़ है गाइस, एक कंपनी होती है और एक कस्टमर होता है, वो दोनों को मिलाता है वो अफिलिएट मार्केटर होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।